तो हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं एक मॉस्किटो किलर सर्किट बनाकर दिखाऊंगा। तो इस मॉस्किटो किलर सर्किट बनाने के लिए हमें खराब चार्जर की जरूरत पड़ेगी। इस खराब चार्जर से हमें यह ट्रांसफार्मर निकाल लेना है। सोल्डरिंग आयरन की मदद से यह ट्रांसफार्मर आप भी बहुत आसानी से अपने घर पर निकाल सकते हो। उसके बाद हमें चाहिए एक मॉस्फेट, जिसका नंबर आप ऊपर स्क्रीन पर देख सकते हो। तो इसका लेग थोड़ा छोटा है, तो मैं इसे वायर की मदद से थोड़ा लेग इसका बढ़ा दूंगा। और इस ट्रांजिस्टर का बीच वाला पॉइंट को हमें ट्रांसफार्मर की 5 नंबर वाली लेग से कनेक्ट कर देना है। उसके बाद हमें चाहिए 220 ओम की एक रेजिस्टर, ये आपको उसी चार्जर की सर्किट में से मिल जाएगी। तो इसे आपको ट्रांसफार्मर की लास्ट वाली दो पॉइंट जो है उससे हमें सोल्डर कर देना है। इस पर नेगेटिव पॉजिटिव नहीं है, किसी भी पॉइंट पर आप लगा सकते हैं। उसके बाद एक वायर का टुकड़ा लेके ट्रांसफार्मर के तीसरे वाले लेग से हमें सोल्डर कर देना है ट्रांजिस्टर का एमिटर वाला पॉइंट, जो पहला वाला पॉइंट है उसे हम ट्रांसफार्मर की तीसरे वाली लेग से कनेक्ट कर देंगे। उसके बाद हमें चाहिए एक 225 या 400 वोल्ट का कैपेसिटर, और इस कैपेसिटर को हमें ट्रांसफार्मर की पहली वाली लेग पर सोल्डर कर देना है। तो इतना सब हो जाने के बाद हमें चाहिए एक IN4007 डायोड। तो इसका ब्लैक वाला पॉइंट हमें ट्रांसफार्मर की दूसरी वाली लेग पर लगा देना है, और इसका सिल्वर वाला पॉइंट जो है हमें कैपेसिटर के बचे हुए लेग पर लगा देना है। और उसके बाद हमें दो वायर का टुकड़ा लेके एक कैपेसिटर का पॉइंट पर लगा देना है, और दूसरा हमें जो ब्लैक वाला पॉइंट था डायोड का उस वाले पॉइंट पर हम लगा देंगे। उसके बाद हम 3.7 वोल्ट की एक बैटरी ले लेंगे, और इसे ट्रांसफार्मर के लास्ट वाली यानी 6 नंबर वाली पॉइंट पर लगा देंगे। उसके बाद एक वायर का टुकड़ा लेके ट्रांजिस्टर के कलेक्टर वाले पॉइंट पर हम लगा देंगे, और उसके बाद इस पर एक स्विच लगा देंगे ताकि हम ये सर्किट को ऑन ऑफ कर सकें। आप लोगों को अगर सर्किट का कनेक्शन समझ में नहीं आया है तो मैंने स्क्रीन पर सर्किट डायग्राम की एक पिक्चर दे दिया है, तो आप इसे देखकर भी आसानी से बना सकते हो। तो हमारा सर्किट जो है बनकर रेडी हो चुका है, तो चलिए इसे टेस्ट करते हैं और एक ऐसा फायरिंग करता है देखते हैं। तो देख सकते हो हमारा सर्किट जो है अच्छी तरीके से वर्क कर रहा है। तो आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक जरूर करना, और एक प्यारा सा कमेंट भी कर देना, और चैनल पर नए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना।